मंत्री, और उन्होंने कहा इसकी जानकारी मुझे है, मुझे पहले पता है, ये अभी निर्णय लेना पड़ेगा, हमने सोच रखा है, आपको बताऊंगा कि 10,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स माफ करने का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। और ये शुगर इंडस्ट्री जो है, ये गन्ना खेती करने वाले किसान है, उनको राहत देने का काम उन्होंने किया। अजीत दादा ने कहा कि 15-20 सालों से ये निर्णय नहीं हो रहा था, देखते करते हैं, सोचते है, ऐसा ही उनको जवाब मिल रहा था। अजीत दादा बराबर है आपने कहा इस वक्त, और लेकिन इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए होती है, धाड़स पाहिजे ना आपल्याला, हेला हेला धाड़स पाहिजे। आणि अमित भाई ने हे जे काही निर्णय घेतला वो काबिले तारीफ है, आणि म्हणून मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। जसं त्यांनी जिस तरह उन्होंने हिम्मत से कश्मीर से धारा 370 कलम को हटाया और देश को, देश का गौरव बढ़ाया, इसलिए भी हिम्मत चाहिए। तभी भी कितने साल सोच रहे थे लोग, अरे भाई हटाना चाहिए, हटाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई जी ने हिम्मत दिखाई और ऐसा स्मूथ ऑपरेशन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला 370 गायब। और इसलिए उन्होंने हिम्मत से शुगर इंडस्ट्री को भी नव संजीवनी दिलाई है। इस निर्णय के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार मानता हूँ। देश के आज 11,770 किसान उत्पादक FPO जो है कार्यरत है, और उन के माध्यम से देश के लाखों किसानों की आय में, इनकम में, उत्पन्न में वृद्धि होगी, और ये उनके लिए भी बहुत ही फायदा होगा, जिसके लिए और भी 10,000 FPO स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। केंद्र सरकार ने उसके लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान भी किया है। उल्लेखनीय है कि रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन तक, प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक, और स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तक सारी व्यवस्था FPO के माध्यम से की जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये सारी प्रोसेस एक क्रांतिकारी निर्णय साबित होगा और देश को और राज्य को बड़ा लाभ होगा। मैं ये भी कहूंगा पैक्स को मजबूत करने के लिए उनका कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, राज्य की 12,000 क्रेडिट सोसाइटी को इसका लाभ मिलेगा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र ने बहुत बड़ी राशि दी है, जिसके कारण राज्य के किसानों को देश और विदेश को एक बाजार में अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। और ये सब जो हो रहा है, अभी अजीत दादाजी ने कहा कि 2000 हमारे चीनी का उत्पन्न जो है, जो 105 लाख मेट्रिक टन का 2022-23 में था, अब 21 लाख टन उस टाइम, उस वक्त निर्यात भी हुआ। और हमारी शुगर फैक्ट्री जो है वो तेल कंपनियों के लिए 135 करोड़ लीटर एथेनॉल देने की क्षमता भी रखता है, ये भी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है। आज सही माने में युवाओं को इस सहकार विभाग की ओर आकर्षित करने का काम भी, निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित भी करने का काम होगा, और ये भी अच्छी बात है, वो भी इस सहकार विभाग से जुड़ने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस, यह मूल मंत्र अपनाने का काम हमारे अमित भाई जी के मार्गदर्शन में ये हो रहा है। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि सहकार से समृद्धि, इस नारे से न केवल सहकार क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि कृषि, पणन, ग्राम विकास को भी इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बलशाली भारत का जो अपना सपना है वो भी साकार होने में इस बड़े निर्णय का बहुत बड़ा उपयोग होगा। और इसीलिए कहते हैं कि बिना सहकार नहीं उद्धार, और यही शाश्वत सत्य है। और इसीलिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का $5 ट्रिलियन का जो सपना है, ये सपना भी ये ऐसे क्रांतिकारी जो सहकार विभाग में हम निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा, ऐसा हमेशा आदरणीय अमित भाई भी कहते हैं। और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजीत दादा ने कहा कि देश के हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश नई ऊंचाई को छू रहा है, देश का नाम बड़े गौरव के साथ पूरी दुनिया में ले रहा है। कोई उनको बॉस कहता है, कोई उनको गले लगाता है, कोई उनको वर्ल्ड लीडर के हैसियत से देखता है। और राज्य का विकास भी जब हम शुरू किया एक साल पहले, जब मोदी जी के नेतृत्व में और अमित भाई के मार्गदर्शन में, जैसे उन्होंने कहा था कि पूरी ताकत से हम सरकार के पीछे खड़े रहेंगे, पूरा शब्द उन्होंने निभाया है, पूरी ताकत से वो खड़े हैं और राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए हमेशा मदद करते हैं। देखो जो है, बाबा साहेब ठाकरे जी कहते हैं, जो सच है सच कहना ही चाहिए और जो है अच्छा उसकी वाह वाह करनी चाहिए। आज हम देखते हैं हमारा एक भी प्रस्ताव बिना कटौती के मंजूर होता है। आज प्रधानमंत्री जी भी आज कितने 500 स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं, उसमें 44 महाराष्ट्र के हैं। वंदे भारत की ट्रेनें शुरू हुई है, कई ऐसे काम है, मेट्रो के लिए सहयोग मिल रहा है। और इसलिए ये डबल इंजन वाली सरकार जो है, ये एक जब राज्य और केंद्र एक विचार की सरकार होती है तो बड़े तेजी से विकास होता है। और इसीलिए इस तेजी के विकास के साथ अजीत दादा भी हमारे जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और अभी पूरी ताकत से एक ही हमारा लक्ष्य है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य के जनता के जीवन में परिवर्तन लाना, उनके जीवन में आनंद लाना। और इस राज्य में एक राज्य जो है हमारा आज बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस राज्य में शुरू है, जो देवेंद्र जी के समय में शुरू हुए थे, 2.5 साल में बंद हुए थे, हमने फिर से उसको शुरू कर दिया है। क्योंकि हमारे पास कोई ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, हम इतना ही चाहते हैं हमारे राज्य के निर्णय से जनता का भला हो, जनता को सुविधा मिले, ये राज्य का विकास हो, इतना ही चाहते हैं। और आज मैं फिर एक बार अमित भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके जैसा नेता इस राज्य के पीछे पूरी ताकत से खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, इसलिए आप जो चाहते हैं इस राज्य का विकास, वैसे ही हम पूरे दिल से मेहनत करके, हम लोग 24/7 वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। आप खाली आशीर्वाद रखो और हमें ताकत दो और इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।